हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अनिष्का। दोस्तों, शादियों का सीजन आ चुका है और हम सभी लड़कियां चाहती कि हम शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे, और खास करके तब जब वो लड़की दुल्हन हो। सही कहा ना मैंने? तो आज मैं लेकर आई हूं ऐसी रेमेडी जो 10 ही दिनों में आपकी बॉडी को कर देगी ब्राइटन। ना केवल ये, अगर आपकी डार्क एल्बोज और नीज है, क्योंकि वहां की स्किन ज्यादा डार्क होती है, तो ये रेमेडी आपकी डार्क नीज और एल्बोज को लाइटन और ब्राइटन करने में भी काफी मदद करती है। इस रेमेडी की है 3 आसान से स्टेप्स। पहला है क्लींजिंग, दूसरा है स्क्रब और तीसरा है मॉइस्चराइजिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप क्लींजिंग से। इसके लिए हमें चाहिए एक ऑरेंज यानी कि संतरा। अगर आपके पास संतरा नहीं है तो आप लेमन यानी कि नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लींजिंग करने से पहले आप अपनी बॉडी को साफ पानी से धो लीजिए। अब संतरे को लेकर 2 हिस्सों में उसे काट लीजिए। अब संतरे को लेकर जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में डार्कनेस है, वहाँ वहाँ आप 3 से 4 मिनट के लिए इसे रब कर लीजिए। ऑरेंज में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होते हैं जो एक्सफोलिएटर का काम करते हैं, जो डेड स्किन सेल को रिमूव कर स्किन को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। हमारा दूसरा स्टेप है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, 4 चम्मच कैरेट जूस यानी कि गाजर का रस, और 1 चम्मच हल्दी का रस। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बाउल में तीनों इंग्रेडिएंट्स को डालकर उन्हें अच्छे से मिला लें और इनका पेस्ट बना लें। अब इस पैक को अपनी उंगलियों में लेकर जहाँ जहाँ आपकी डार्कनेस है वहाँ पर अच्छे से लगा लें। 5 मिनट तक आप इस पैक को लगे रहने दें। ऐसा करने से वहाँ की जो डेड स्किन है वो गल जाएगी और उसे रिमूव होने में काफी मदद मिलेगी। अब 5 मिनट हो जाने के बाद एक संतरे की मदद से आप इसे अपनी पूरी बॉडी पर मसाज करें। राइस फ्लोर में अमीनो एसिड और विटामिन्स होते हैं जो क्लियरिंग एजेंट है, जो स्किन को शाइनी बनाने में हेल्प करते हैं, और साथ ही इसके फाइन ग्रैनुल्स डेड स्किन सेल को रिमूव कर स्किन को क्लीन स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। कैरेट जूस में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करते हैं। हल्दी स्किन को नेचुरल ग्लो देने में काफी मदद करती है। याद रखिए, हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक मसाज जरूर करनी है। अब 15 मिनट हो जाने के बाद आप अपनी बॉडी को साफ पानी से धो ले या फिर नहा ले। अब बारी हमारी लास्ट और तीसरे स्टेप मॉइस्चराइजिंग की, और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मिल्क क्रीम और 2 चम्मच कच्ची हल्दी का रस। अब एक बाउल में इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को डालकर अच्छे से मिला ले और तैयार है आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करेंगे इस क्रीम को लगाकर। अब आप इस क्रीम को लगाकर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाज करें ताकि ये क्रीम आपकी स्किन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाए। मलाई एक मॉइस्चराइजर का काम करती है जो स्किन में अंदर तक एब्जॉर्ब होकर स्किन को नरिश करती है और ड्राइनेस को रिड्यूस करने में काफी मदद करती है। इस रेमेडी के बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप इसे डेली फॉलो करें। अगर आप इसे डेली फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप कम से कम हफ्ते में इसे 3 से 4 बार ट्राई करना बिल्कुल ना भूले। तो ये था आज का वेडिंग स्पेशल वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और अभी तक नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप फ्यूचर में वेडिंग स्पेशल वीडियो क्या क्या देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। मैं अनिष्का, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।